मध्य प्रदेश में आतंक के पर्याय बने गुड्डा गुर्जर के अध्याय के खात्मा हो चुका है। पुलिस के गिरफ्त में आए चुके हैं गुड्डा गुर्जर और एक के साथ एक अध्याय तक खत्म हो चुका। बावजूद एक ही बता दें कि गुड्डा गुर्जर के अलावा प्रदेश में ऐसा कई अपराधी खुला घूम रहे हैं, जिस सरे आम हथियार के लेके वारदात कर रहे हैं, लोगन के संगे मारपीट घलाई कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में एक पेट्रोल पंप लूटे के मामले में सीसीटीवी फुटेज समूह आबा है, जोने में आधा दर्जन हथियार बंधन के द्वारा फायरिंग की गए। इस दौरान कर्मचारी से मारपीट घलाई की गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जने का प्रणाम कही थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। बताए दे के पेट्रोल पंप लूटाई की यह घटना ग्वालियर से समूह आई है, जहाँ बिजौली इलाके में पेट्रोल पंप में लूट के कोशिश के दौरान तोड़फोड़ और गोली चलावे के मामला घलाए समूहबा है। बता दें कि आधा दर्जन हथियार बंद बदमाशन के द्वारा इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारी के संगे मारपीट किए गए, तोड़फोड़ किए गए और फिर केबिन के भीतर घुस के पैसा लूटे के घलाए कोशिश किए गए। बता दें कि पूरी घटना पेट्रोल पंप परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद भई है। बिजौली थाना पुलिस के द्वारा बता दी कि मामला में नामजद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कई के अब खोजबीन की जा लाही है। ये पूरा मामला बता दें कि बिजौली थाना क्षेत्र के पारसेन गांव स्थित एक पेट्रोल पंप के है, जहां आधी रात पेट्रोल पंप में हथियारबंद बदमाश पहुंचे और तोड़फोड़ कई के कर्मचारी के संगे मारपीट करी। बदमाश बता दी कि केबिन में घुस के लूट करे की कोशिश घलाए करी। वह जब कर्मचारी के द्वारा इनके हरकत के विरोध किएगा तो गोली चलाए के वहां से बदमाश भाग गए। गनीमत यह रही कि पूरी घटना जो रही वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। इस मामला में अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपी के पहचान की जा रही है। बता दें कि पुलिस के द्वारा नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किएगा है, अब उनकर ढूंढे के कवायद पुलिस के द्वारा की जा रही है। बता दें कि भले एक आतंक के अध्याय खत्म हो चुका है, बावजूद है कि प्रदेश में ऐसा कई अपराधी कई बड़ी वारदात हो रही है, जिनके खिलाफ वही तत्परता से कार्रवाई करने की जरूरत ही है जितनी तत्परता पुलिस के द्वारा गुड्डा गुर्जर के मामले में दिखाई गई है। तब जाए के पूरा प्रदेश भय और आतंक से मुक्त हो सकी, जनता सुखी और शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकी। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।